चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन. दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर एट ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 22 पर. एंड द चैप्टर नंबर 22 इज प्रेपोजिशंस. सो डू यू नो व्हाट इज प्रेपोजिशंस? सो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड That shows the relationship. ये relationship दिखाता है किसकी? Of a noun or pronoun with other words in a sentence. Noun or pronoun की दूसरे words के साथ, sentence में दूसरे words के साथ उनकी क्या relation है वो हम show करते हैं preposition से. Okay? So, they are sitting on the bench. They are sitting on the bench. वो bench पर बैठे हैं, right? They are sitting. They कौन है? Pronoun. So, उसकी बेंच से क्या रिलेशनशिप है कि बेंच पर बैठे हैं. सो पर के लिए हमने यूज किया है यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन. ओके, तो हुआ ना रिलेशन शो ऑन की हेल्प से. द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई. बर्ड इज द नाउन हेयर और फ्लाई कहाँ कर रही है वो? स्काई में, इन द स्काई. सो इन इज द प्रेपोजिशन एंड शोइंग रिलेशनशिप विद नाउन टू द अदर वर्ड्स इन द sentence. Now, types of prepositions are, there are three types of prepositions: preposition of time, preposition of place, and preposition of direction. So, preposition of time represent ki karta hai different times ko, jaise ki at, in, on, by. Preposition of place different places ko represent karta hai, jaise on, in, at, under, inside, onto, outside. Okay? So, now preposition of direction, it is used to represent different direction. ये different different direction को represent करता है, like to, towards, above, below, forward, okay? So, इस तरह से यहाँ पर preposition of time, preposition of place और preposition of direction दिए हुए हैं. Okay, बच्चों, आपको इनके जो examples में words लिखे हुए हैं, you should learn these words. Now, प्रेपोजिशन डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर. सो ये ट्रांसलेट नहीं होते एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. नाउ वी हैव द एक्सरसाइज हियर और इस एक्सरसाइज से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सूटेबल प्रेपोजिशन. द टीचर आस्क द स्टूडेंट. टीचर्स ने स्टूडेंट से कहा टू सबमिट देयर होमवर्क ऑन टाइम ऑन मंडे. मंडे को अपना होमवर्क सबमिट करने के लिए. शी रिमाइंडेड देम दैट द डेडलाइन वॉज एट 4 PM. 4 PM तक उनको अपना डेडलाइन थी उनकी होमवर्क सबमिट करने की. द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड देयर असाइनमेंट्स फॉर देयर असाइनमेंट. अपने असाइनमेंट्स के लिए उन्होंने हार्डवर्क किया एंड सबमिटेड देम ऑन टाइम. टाइम पर सबमिट कर दिया. द टीचर प्रेज देम एंड टोल्ड दैट शी वॉज प्राउड ऑफ देम. दैट शी वॉज प्राउड ऑफ देम. उन्हें उन पर गर्व है. ओके, सो इस तरह से हम सूटेबल प्रेपोजिशन फिल करते हैं बच्चों और ये दिखाते हैं रिलेशनशिप बाकी के सारे वर्ड्स की सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ. ओके, सो चलिए आगे चलते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके, सो हमें यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस दिखाना है. द ऑथर्स नेम इज द कवर ऑफ द बुक. कहाँ पर होता है? बुक के कवर पर. इज ऑन द कवर ऑफ द बुक. जेन इज वेटिंग फॉर यू. जेन आपके लिए वेट कर रहा है. कहाँ पर? बस स्टॉप पर. एट द बस स्टॉप. माई मदर लिव्स द सेकेंड फ्लोर. My mother lives on the second floor. What is with your bat? आपके बैट के साथ क्या है? Okay, if you need help, ask at the front desk. Front desk पर जाकर आप पूछ सकते हैं. Your keys are on the table. आपकी keys कहाँ है? Table पर. Okay, so now this exercise is complete and we have placed preposition of place. Now we go ahead. This is C exercise. Choose a preposition from the given options to complete each sentence correctly. I can't wait
before the movie starts. My phone fell beneath my desk. She baked the cookies after she mixed the dough. The train station is across the street. Okay, so is tarah se we choose the preposition from the given option to complete each sentence correctly. आप भी इसे fill कर सकते हैं मेरे साथ अपनी book में. Now you can sit with me, right? The party begins dash 2 o'clock, at 2 o'clock. The band played for 2 hours. The boy walked across the bridge. She came down the stairs. He ran up the hill. Okay, he ran up the hill. So, बच्चों इस तरह से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशंस क्या है. प्रेपोजिशंस रिलेशन शो करती हैं नाउन और प्रोनाउन का. बाकी जो भी सेंटेंस में और दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ. सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इनमें जो एग्जाम्पल वर्ड्स हैं ये आपको लर्न होने चाहिए. ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. We go ahead. Thanks for watching. Have a nice day.